नमस्कार, गुलाटी स्कूल ऑफ फोटोग्राफी की तरफ से निकोन के D750 कैमरा के कोर्स के लिए 14 DVD का सेट बनाया गया है। इस कोर्स में आपको कैमरा के एक एक बटन और मेनू के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनकी थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ जानकारी दी गई है। ट्रेनिंग के लिए इस DVD में कौन कौन से लेसन हैं आगे वो वीडियो देखिए। इस कैमरा की ट्रेनिंग के लिए ये DVD नंबर 2 है। इस DVD में कैमरा के मेनू में जितने फंक्शंस हैं उनकी जानकारी है। इसमें पहला लेसन है प्लेबैक मेनू का। मेनू में जो पहली ऑप्शन है प्लेबैक की, उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनकी यहाँ आपको प्रैक्टिकल के साथ जानकारी दी गई है कि आपने इन फंक्शंस को कैसे यूज़ करना है। दूसरा लेसन है फ़ोटो शूटिंग मेनू। मेनू में ये दूसरी ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शंस फ़ोटो शूट करने से रिलेटेड है, तो यहाँ आपको सभी की पूरी जानकारी दी गई है। तीसरा लेसन है मूवी शूटिंग मेनू। तो ये कैमरा में तीसरी ऑप्शन है। इसमें जितनी भी आगे ऑप्शंस हैं ये सभी, अगर आपको कैमरा से वीडियो शूट करना है तो उससे रिलेटेड हैं, तो यहाँ आपको उन सभी की जानकारी मिलेगी। आगे लेसन है कस्टम सेटिंग मेनू का। तो ये कैमरा में काफ़ी लंबी ऑप्शन है, तो इसके हमने 3 पार्ट बनाए हैं। तो ये पहला पार्ट है, इसमें जितनी भी ऑप्शंस हैं उनकी आपको प्रैक्टिकल के साथ जानकारी दी गई है। आगे ये भी कस्टम सेटिंग मेनू का दूसरा पार्ट है, इसके अंदर जितनी ऑप्शंस हैं आपको उनकी यहाँ जानकारी मिलेगी। ऐसे ही ये कस्टम सेटिंग मेनू का तीसरा पार्ट है, इसमें भी आगे जितनी ऑप्शंस हैं सबकी आपको अच्छे से जानकारी दी गई है। मेनू की बाकी ऑप्शंस की जानकारी नेक्स्ट DVD में है। इस DVD में आपने सिर्फ मेनू के अंदर क्या सेटिंग्स हैं उनकी जानकारी ली है, उनको यूज़ करके आगे आपने अच्छी फोटोग्राफी कैसे करनी है, कौन सी सेटिंग कहाँ रखनी है, वो आगे जैसे जैसे आप कोर्स करते जाएंगे आपको वो जानकारी मिलती जाएगी। अगर आप कोर्स की बाकी DVD में क्या है वो देखना चाहते हैं, तो अगर आप PC में ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे शो मोर को दबा के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप ऐसे सभी DVD का लिंक देख सकते हैं। आप इन लिंक को दबा के बाकी की DVDs देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आप मोबाइल में हैं तो आप इस छोटे से बटन को दबाएंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, यहाँ आपको सभी DVD का लिंक मिलेगा, आप यहां से देख सकते हैं। इस DVD में हमारा समझाने का तरीका क्या है, ट्रेनिंग हम कैसे देते हैं, उसके लिए आगे आप एक छोटा सा वीडियो देखिए। नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेबैक डिस्प्ले ऑप्शंस। इसमें आगे कई ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस का ये मतलब होता है कि जब हम कोई फोटोग्राफ देखते हैं तो अगर हम उसकी डिटेल देखना चाहें कि वहाँ हमने क्या अपर्चर, क्या शटर स्पीड, क्या यूज़ किया था, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अगर हम पहली ऑप्शन फोकस पॉइंट ये सिलेक्ट करते हैं तो जब हम फोटोग्राफ खींचने के बाद चेक करते हैं तो वहाँ ऐसे वो एरिया का निशान आ जाता है आपने जिस एरिया में फोकस किया होगा, तो हमें वो फोकसिंग का एरिया दिखाता है जो आपने फोटोग्राफ लेते समय लिया था। उसके बाद है नॉन इमेज ओनली। अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको प्लेबैक में कुछ भी नहीं दिखाएगा, बिल्कुल प्लेन दिखाएगा, आप कैमरा की कोई भी सेटिंग नहीं देख सकते, खाली फोटो आएगा। उसके बाद है हाईलाइट। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो आपको फोटो में जो हाईलाइट एरिया होता है, जो ज़्यादा वाइट एरिया होता है, वो आपको दिखाता है कि आपका ये एरिया ज़्यादा वाइट हो गया है।
तो वाइट एरिए को हाईलाइट कहते हैं। उसके बाद है आरजीबी हिस्टोग्राम। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ जब आप फोटो को चेक करेंगे कि आपकी फोटो कैसी है तो साथ में आपको हिस्टोग्राम भी दिखाएगा। उसके बाद है शूटिंग डाटा। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो जब आप फोटो खींचने के बाद चेक करेंगे तो आपको ऐसे शूटिंग की डिटेल्स आएगी कि आपने कितना फोकल लेंथ यूज़ किया, आपका लेंस कौन सा था, ऐसे शटर स्पीड कितना था, अपर्चर कितना था, ऐसे आपको पूरी डिटेल नज़र आएगी। लास्ट में एक और है ओवरव्यू। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं और अपनी फ़ोटो को चेक करते हैं तो आपको पूरी डिटेल दिखाता है, जितनी हमारी ऑप्शंस थी जो हम पहले सिलेक्ट कर चुके हैं बारी बारी, पूरी ऐसे उसमें डिटेल्स आ जाती है। तो ऐसे जब आप कोई फ़ोटोग्राफ लेते हो उसके बाद फ़ोटोग्राफ को चेक करते हो तो आपको जो ऑप्शन चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपने इस फ़ोटो खींचने में क्या क्या यूज़ किया है, अगर आपको इन ऑप्शन में से कोई चाहिए तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप ये सभी इकट्ठा भी सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको ये सारे इधर राइट वाले बटन से बारी बारी से सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो सभी भी आ सकते हैं या एक जो आप चाहते हैं, एक या दो तीन जितने भी आप चाहते हैं आप वो उतने सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फोटो खींचने के बाद जब आप चेक करेंगे तो आप इस राइट वाले सेलेक्टर बटन से बारी बारी से उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। हमारे पास स्टिल फोटोग्राफी, स्टिल कैमरे, वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग और फोटोशॉप करिश्मा के सभी तरह के कोर्सेज की डीवीडी मिलती है। आप उन्हें घर बैठे भी मंगवा सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी में भी उपलब्ध है। तो अगर आप कोई भी कोर्स की डीवीडी लेना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।